राजेश, परेशान लग रहे हो, क्या बात है? क्या बताऊं नंदिता मैम, आपने जो फाइल्स मुझे फॉरवर्ड की थीं, उनको चेक करने के लिए अपना कंप्यूटर स्टार्ट किया, देखा तो सारी फाइल्स गायब थीं। केवल वो ही नहीं, लगा जैसे कुछ और फाइल से भी छेड़छाड़ की गई है। साथ ही मेरी कुछ और एप्लीकेशंस भी सही तरीके से काम नहीं कर रही हैं। तब तो किसी ने तुम्हारा कंप्यूटर हैक कर लिया है। हैक? इसका क्या मतलब है नंदिता मैम? इसका मतलब है गैर कानूनी तरीके से किसी ने साइबर स्पेस के जरिए तुम्हारे कंप्यूटर का एक्सेस ले लिया है। साइबर स्पेस, ये किसे कहते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है? देखो, हमें जो कुछ भी असंभव लगता है उसे साइबर स्पेस के जरिए संभव बनाया जा सकता है। तो पहले मैं तुम्हें साइबर स्पेस के बारे में बताती हूँ, जिससे तुम समझ सको कि हैकिंग किसे कहते हैं। तुम्हें तो पता ही है, दुनिया में कंप्यूटर के बनने के बाद से ही तकनीकी में कितने नाटकीय तरीके से बदलाव आया है। टेक्नोलॉजी को ज्यादा कारगर बनाने के लिए दुनिया भर के कंप्यूटर्स एक दूसरे से एक इलेक्ट्रॉनिक लिंक के जरिए जुड़े हुए हैं। इसे ही नेटवर्क्स कहते हैं। इन्हीं नेटवर्क्स को जोड़कर इंटरनेट बनाया गया। यही इंटरनेट अब जिंदगी का जरूरी हिस्सा बन गया है। इसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। कंप्यूटर्स और मोबाइल फोन्स में इंटरनेट ने हमारी जिंदगी को आसान बना दिया है। अब हम दुनिया में किसी को भी मिली सेकेंड्स में टेक्स्ट मैसेज, तस्वीरें और वीडियोस भेज सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। साथ ही इंटरनेट के जरिए हम कुछ बेच या खरीद सकते हैं, बिल का भुगतान कर सकते हैं, अपने बैंक खाते की जानकारी रख सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट के जरिए हम तमाम साइट से अपने लिए जरूरी जानकारी जुटा सकते हैं। किसी भी तरह की खबर अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के साथ साझा कर सकते हैं। कंप्यूटराइज्ड टेक्नोलॉजी ने स्विचेस के दूर से नियंत्रण को मुमकिन बना दिया है। इन स्विचेस से हमें बांधों से पानी की रफ्तार या रिफाइनरीज में तेल के बहाव जैसी जरूरी जानकारी मिलती है। कंप्यूटराइज्ड टेक्नोलॉजी के जरिए हम दरवाजों को खुद ब खुद और कहीं दूर से भी खोल सकते हैं। ज्यादातर फैक्ट्रीज और ऑफिसेज में अब कंप्यूटराइज्ड वीडियो कैमरास लगाए गए हैं। ये कैमरास वीडियोस और फोटोज को लगातार फैक्ट्री मालिकों तक भेजते रहते हैं। इससे वो वहां हो रहे काम पर नजर बनाए रखते हैं। अंतरिक्ष विज्ञान में वैज्ञानिक चंद्रमा और मंगल अभियान की सफलता के लिए कंप्यूटराइज्ड गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं। वे एक इलेक्ट्रॉनिकली बनाए गए वर्चुअल स्पेस के जरिए डेटा या सूचनाएं एक्सचेंज करते हैं। इसे साइबर स्पेस कहते हैं। अब तुम सोच रहे होगे, ये साइबर स्पेस क्या है? तो साइबर स्पेस का मतलब एक वर्चुअल कंप्यूटर वर्ल्ड से है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है जो दुनिया भर के कंप्यूटर्स को जोड़ता है और उनमें ऑनलाइन संचार की तेजी देता है। विलियम गिब्सन ने पहली बार 1984 में साइबर स्पेस परिभाषा का इस्तेमाल किया था। साइबर स्पेस इंटरनेट और स्वतंत्र सूचना प्रौद्योगिकी से मिलकर बना है। इसे कंप्यूटर का आईटी नेटवर्क भी कहते हैं। आईटी नेटवर्क के अलावा दूरसंचार नेटवर्क, कंप्यूटर सिस्टम और अन्य सभी प्रोसेसर या कंट्रोलर्स भी साइबर स्पेस का ही हिस्सा हैं। यहां तक कि स्मार्टफोन, स्मार्ट घड़ियां या इंटरनेट से जुड़े ऐसे दूसरे उपकरण भी साइबर स्पेस में शामिल हैं। साइबर स्पेस ने उपयोगकर्ताओं के लिए जानकारी साझा करना, बातचीत, विचारों का आदान प्रदान,
खेल खेलना, सामाजिक मंचों पर चर्चा, बिजनेस कंडक्ट और एक बटन के जरिए मीडिया बनाने की सुविधा दी है। अब कंप्यूटर नेटवर्क दुनिया भर के दूर दराज के गांवों में भी उपलब्ध है। इसीलिए बीतते वक्त के साथ साइबर स्पेस इतना विशाल होता गया कि इसके साइज का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। साइबर स्पेस की एक खास बात है, ये दुनिया में हर जगह है और सीमाएं या पाबंदियां इसको नहीं रोक सकती। दुनिया के किसी एक कोने में बैठा एक इंसान आसानी से साइबर स्पेस के जरिए दुनिया के दूसरे कोने में किसी अन्य इंसान के साथ बातचीत कर सकता है, फोटोज और वीडियोस भेज सकता है। इसीलिए एक तरफ हम इंटरनेट कनेक्शन के जरिए साइबर स्पेस से जुड़कर जानकारी अदल बदल कर सकते हैं, तो वहीं साइबर स्पेस के बारे में ज्यादा जानकारी रखने वाला रुकावट डालने के लिए इसमें छेड़छाड़ कर सकता है। साइबर स्पेस में रुकावट बहुत खतरनाक हो सकती है, क्योंकि सभी तरह की जानकारी यहीं संग्रहित रहती हैं। अगर इन सूचनाओं से किसी तरह की छेड़छाड़ की जाए या इनका क्रम बिगाड़ दिया जाए तो दुनिया के लिए बहुत बुरा होगा। इससे जानकारी का नुकसान होगा, ऑर्गेनाइजेशन से चोरी किए गए डेटा से व्यापार के बंद होने का डर रहेगा और साथ ही इससे राजनीति में भी अस्थिरता आएगी। इन्हीं सब वजहों से साइबर स्पेस को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है, ताकि किसी भी यूजर को इसके इस्तेमाल का नुकसान न उठाना पड़े। हालांकि ये इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि कुछ इंटरनेट यूजर साइबर स्पेस में छेड़छाड़ कर किसी अन्य के व्यक्तिगत डेटा में घुसना चाहते हैं, ताकि वो उनकी जानकारी चोरी कर सकें या डेटा में रुकावट पैदा कर सकें। साइबर सिक्योरिटी के लिए जो खतरे हैं उनमें कई तरह की संभावनाएं और कमजोरियां शामिल हैं। हालांकि साइबर सिक्योरिटी को सुरक्षित रखने के लिए हमें इन खतरों से बचना होगा, पर ऐसा करना बहुत मुश्किल और चुनौती भरा है। तो राजेश, अगर मैं अभी तुम्हें साइबर सिक्योरिटी के मुश्किल हिस्से के बारे में बताऊं तो शायद ठीक से तुम्हारी समझ में ना आए, इसलिए साइबर सिक्योरिटी के बारे में ज्यादा जानने के लिए तुम पहले साइबर सिक्योरिटी की कुछ बुनियादी बातों को समझ लो। ठीक है नंदिता मैम, तो मुझे साइबर सिक्योरिटी की बुनियादी बातों के बारे में और जानकारी दीजिए। बिल्कुल राजेश, मूल बातें समझने के बाद तुम अन्य दूसरे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स और व्यावहारिक पार्ट से अपनी जानकारी को और बढ़ा सकते हो। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे कंप्यूटर पर हर वक्त थ्रेट का खतरा है, तो हमारे लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि हम इन थ्रेट से खुद को कैसे बचा सकते हैं। आप शायद जानती हैं नंदिता मैम, दरअसल किसी ने गैर कानूनी तरीके से मेरा कंप्यूटर हैक कर लिया है, मेरा डेटा चोरी कर लिया है और उससे छेड़छाड़ भी की है। एक एंड यूजर के तौर पर मैं इससे कैसे निपट सकता हूँ? राजेश, अगर तुम्हारा कंप्यूटर इंटरनेट कनेक्शन से जुड़ा है तो तुम कभी भी हैकर्स का निशाना बन सकते हो। ये हैकर्स वायरसेस और कमजोर सॉफ्टवेयर के जरिए तुम्हारे सिस्टम में घुसपैठ कर लेते हैं। इस तरह के थ्रेट से बचने के लिए तुम्हें साइबर सिक्योरिटी की जानकारी होनी बेहद जरूरी है। नंदिता मैम, तो आप मुझे साइबर सिक्योरिटी के बारे में और जानकारी दे सकती हैं? बिल्कुल राजेश, एक यूजर के तौर पर जब भी तुम इंटरनेट के जरिए जानकारी लेने या बिजनेस के लिए अपने कंप्यूटर में एक्सेस करते हो तो नेटवर्क थ्रेट का खतरा हमेशा बना रहता है। तुम्हें हर वक्त ऐसे वायरसेस और कमजोर सॉफ्टवेयर से निपटना होगा जो किसी ने तुम्हारे सिस्टम में घुसपैठ करने के लिए डिजाइन किया हो।
साथ ही सभी कंप्यूटर्स अच्छी तरह काम भी नहीं करते। इसीलिए कंप्यूटर का परफॉर्मेंस इशू बड़ा मसला बन जाता है। इसी वजह से उन सभी के लिए साइबर सिक्योरिटी सबसे बड़ा मामला होना चाहिए, जो इंटरनेट का इस्तेमाल कर जानकारी हासिल करते हैं। तो चलो पहले हम ये समझ लेते हैं कि कमजोर साइबर सिक्योरिटी के पीछे क्या आम वजह हैं। अगर कोई घुसपैठिया किसी के कंप्यूटर तक पहुंच जाए तो इसके लिए एक खराब या कमजोर पासवर्ड को सबसे आम वजह माना जाएगा। इससे यूजर की निजी जानकारी चोरी होने का खतरा बना रहेगा, डेटा लॉस और इससे भी ज्यादा वित्तीय नुकसान के चलते बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, सच में? तब तो मुझे लग रहा है कि मेरा पासवर्ड भी बहुत कमजोर है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है राजेश, तो आश्चर्य की बात नहीं कि कोई तुम्हारे कंप्यूटर में आसानी से प्रवेश कर ले। क्या आपके पास इस मसले का हल है नंदिता मैम? हाँ जरूर राजेश, इंटरनेट कनेक्शन के जरिए अपने कंप्यूटर को साइबर स्पेस से जोड़ने के लिए एक पासवर्ड की जरूरत होती है। पहले यही जानते हैं कि पासवर्ड क्या है और कैसे काम करता है। कई ऑर्गेनाइजेशंस और यहाँ तक कि औद्योगिक सुरक्षा जोन्स में भी पासवर्ड बहुत खास है। उदाहरण के तौर पर खुफिया संगठनों जैसे मिलिट्री इंटेलिजेंस या क्राइम डिपार्टमेंट्स के सदस्य एक वर्बल पासवर्ड इस्तेमाल करते हैं। उस पासवर्ड को ऑर्गेनाइजेशन के बाहर किसी के भी साथ साझा नहीं किया जाता है। अगर कोई इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन की बिल्डिंग और जोन में घुसना चाहता है तो बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड उसे रोककर उन्हें अपनी पहचान दिखाने के लिए कहेंगे। इस दौरान सिक्योरिटी मैन अपनी गन को पूरे वक्त उस विजिटर की तरफ रख सकता है। उस व्यक्ति को अंदर जाने की इजाजत सिर्फ तभी मिलेगी जब वो सही पासवर्ड बता दे। एक कंप्यूटर पासवर्ड भी इसी तरह काम करता है। जैसे ही तुम कंप्यूटर स्टार्ट करते हो, लॉगिन पेज खुल जाता है। ये पासवर्ड एंटर करने के लिए कहता है। तुम्हें कंप्यूटर का एक्सेस तभी मिलेगा जब तुम सही पासवर्ड एंटर करोगे। एक कंप्यूटर पासवर्ड एक गुप्त शब्द या वाक्य हो सकता है जिसके जरिए कंप्यूटर और नेटवर्क एक्सेस किया जाता है। ज्यादा वक्त तक कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाले लोग ऐसा पासवर्ड बनाते हैं जो उन्हें आसानी से याद रहे पर कोई और उसका अनुमान न लगा पाए। अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारा पासवर्ड गेस न कर पाए तो कैरेक्टर्स को आगे पीछे रखकर पासवर्ड बनाना। ये अल्फाबेट्स, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स या इन सभी को लेकर बनाया जा सकता है। पासवर्ड हमारे ईमेल्स, कंप्यूटर सिस्टम्स और सोशल नेटवर्क्स में साइबर क्रिमिनल्स की घुसपैठ को रोकने में एक मजबूत दीवार बनकर खड़ा रहता है। तुम कैरेक्टर्स को आगे पीछे रखकर एक जटिल पासवर्ड बना सकते हो जो दूसरे लोग आसानी से गेस ना करने पाए और तुम्हें आसानी से याद रहे। कई लोगों के लिए जटिल पासवर्ड्स याद रखना मुश्किल होता है और इसीलिए वे ऐसा पासवर्ड बनाते हैं जो उन्हें आसानी से याद आ जाए या उसे गेस कर सकें। पर तुम सोच भी नहीं सकते, नेटवर्क पर मौजूद हैकर्स भी इसे गेस कर सकते हैं और तुम्हारे बनाने में लगे टाइम से भी कम वक्त में। अच्छा, पर कोई हैकर मेरे बनाए हुए पासवर्ड को कैसे गेस कर लेता है नंदिता मैम? हैकर्स शुरू में नहीं जानते कि किसी का पासवर्ड क्या है।
पर वो पासवर्ड क्रैक करने के लिए अंकों और कैरेक्टर्स के मेल के प्रयत्न करते रहते हैं, और अगर पासवर्ड कमजोर है तो कभी कभी वो क्रैक करने में सफल रहते हैं। मैं तुम्हें कुछ आम पासवर्ड बताती हूँ जो कोई यूजर्स अपने सिस्टम के लिए बनाते हैं। राजेश, ज्यादातर लोग पासवर्ड बनाने के लिए नाम, शब्दों या अंकों का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो उन्हें आसानी से याद रख सकें। सही कह रही हैं नंदिता मैम, मैं भी ज्यादातर या तो अपने परिवार के सदस्यों या फिर कुछ अंकों को बढ़ते क्रम में रखकर पासवर्ड बनाता हूँ। हाँ, मैं समझ सकती हूँ, ये बहुत कमजोर पासवर्ड होते हैं, शायद इसीलिए तुम्हारा कंप्यूटर इतनी आसानी से हैक हो गया था। नाम, शब्दों, वाक्यों और अंकों को एक क्रम में रखकर पासवर्ड बनाना आम बात है और हैकर्स आसानी से इन्हें तोड़ लेते हैं। स्प्लैश डेटा नाम की एक कंपनी हर वर्ष सबसे खराब पासवर्ड्स की एक लिस्ट जारी करती है जो नेटवर्क एक्सेस के लिए बनाए जाते हैं। इस लिस्ट में पिछले 4 वर्षों से पहले 2 पायदान पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और पासवर्ड काबिज हैं। इस आंकड़े से ये साफ है कि यूजर्स गलतियों से कुछ नहीं सीखते और कमजोर पासवर्ड बनाकर ही इंटरनेट से जानकारी एक्सेस करते हैं। इससे हैकर्स अट्रैक्ट होते हैं और आसानी से पासवर्ड क्रैक कर आपके सिस्टम से डेटा या जानकारी चोरी कर लेते हैं। इस लिस्ट में शामिल कुछ आम पासवर्ड्स ये हैं। क्यूअर्टी, आई लव यू, एडमिन, वॉट एवर, लेट मी इन, वेलकम, लॉग इन, हेलो, ABC 123, पासवर्ड मास्टर एटसेट्रा। ये पासवर्ड्स सच में बहुत कमजोर हैं और इनका क्रम भी गड़बड़ है। हैकर्स बड़े आराम से इसे क्रैक कर उस इंसान के कंप्यूटर में एक्सेस पा लेते हैं। तो नंदिता मैम, वैसा पासवर्ड कैसे बनाया जाए जिसे क्रैक करना हैकर्स के लिए मुश्किल हो पर मुझे आसानी से याद रहे? हाँ राजेश, मैं अब वही बताने वाली थी। अपने कंप्यूटर के लिए एक मजबूत और मुश्किल से क्रैक होने वाला पासवर्ड बनाने के लिए तुम्हें कुछ जरूरी बातों की जानकारी होनी चाहिए। वो क्या है नंदिता मैम? सबसे पहले पासवर्ड की लंबाई देखो। पासवर्ड जितना लंबा होगा, हैकर्स को उसे क्रैक करने में उतनी ही मुश्किल होगी। बेशक बहुत लंबे पासवर्ड को याद रखना मुश्किल होगा, खासकर जब पासवर्ड में 12 से ज्यादा अलग अलग कैरेक्टर्स हों। इसीलिए कम से कम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड बनाने की सलाह दी जाती है। पासवर्ड को और ज्यादा कठिन बनाने के लिए कैरेक्टर्स को मिलाकर पासवर्ड बनाने का सुझाव दिया जाता है। एक मजबूत पासवर्ड बनाने में अक्षर, अंकों, विशेष अक्षरों को बड़े या छोटे में इधर उधर रखना चाहिए। जब भी कोई पासवर्ड बनाओ तो उसे इतना जटिल और लंबा मत बनाओ कि खुद ही याद रखना मुश्किल हो जाए। जटिल पासवर्ड बनाने का एक सबसे आसान तरीका ये है कि किसी एक ही पैराग्राफ से सारे अक्षर लिए जाएं। इसे याद रखना भी आसान होगा। इस तरह का पासवर्ड बनाने के लिए एक ऐसा पैराफ्रेज चुनो जो किसी वाक्य के सीक्वेंस को बताता हो। एक उदाहरण देख लो। पासवर्ड MFSWDPS
IN08। सेंटेंस में इस्तेमाल किए गए हर शब्द का पहला लेटर और इसके आखिर में दो नंबर दिए गए हैं। माय फर्स्ट स्कूल वॉज दिल्ली पब्लिक स्कूल इन 2008। इस तरह के पासवर्ड खुद याद रखने में आसानी रहेगी, पर किसी और के लिए क्रैक करना मुश्किल होगा। तुम एक ही तरह के पासवर्ड बनाकर उसे कुछ दिनों के लिए बेसिक पासवर्ड की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। फिर इस पासवर्ड में कुछ बदलाव कर इसे दूसरी पर्सनल साइट्स के एक्सेस के लिए रख सकते हो। जैसे तुम अपने ईमेल के लिए उसी पासवर्ड में एक या दो अक्षर बदलकर एक नया पासवर्ड बना सकते हो। अपने ईमेल के पासवर्ड के लिए तुम अंत में #e जैसे प्रत्यय लगा सकते हो, ये इस तरह दिखेगा। अपने बैंक खाते के लिए अंत में $b लगा सकते हो, फिर पासवर्ड कुछ इस तरह दिखेगा। इन तरीकों से तुम मजबूत पासवर्ड बना सकते हो, जिसे गैस या हैक करना हैकर के लिए भी मुश्किल होगा। तो एक बार वाक्य चुन लेने के बाद, जब कभी तुम्हें अपनी कोई पर्सनल साइट्स एक्सेस करनी हो, ये तुम्हें अपने आप याद आता रहेगा। साथ ही ये बहुत मजबूत पासवर्ड होगा, जो तुम्हारे सिवा किसी और के लिए गेस करना कठिन होगा। उदाहरण वाले इस वाक्य को मैंने सिर्फ तुम्हें एक मुश्किल पासवर्ड बनाना सिखाने के लिए इस्तेमाल किया था। इसके अलावा हर दूसरे या तीसरे वर्ण को बड़े में लिखकर पासवर्ड को और ज्यादा मुश्किल बनाया जा सकता है। अगर तुम्हें कोई गाना या कविता अच्छी तरह याद है, तो तुम इसकी एक पंक्ति से भी एक कठिन पासवर्ड बना सकते हो। एक मुश्किल पासवर्ड बनाने और इसे अपनी पर्सनल साइट्स में इस्तेमाल करने और गोपनीय रखने के लिए इसे याद करना होगा। पासवर्ड कभी किसी को मत बताना, यहां तक कि अगर तुम अपने दोस्तों या करीबियों से कुछ इंटीमेट डिटेल्स साझा करना चाहते भी हो, तो पासवर्ड बताने से परहेज करना। कई लोगों को सिर्फ अपने करीबियों या परिवार के सदस्यों को पासवर्ड बताने की वजह से ही परेशानी झेलनी पड़ी है। अपने कुछ क्लोज फ्रेंड्स से फेथ और ट्रस्ट दिखाने के चक्कर में कुछ लोग अपना पासवर्ड उन्हें बता देते हैं और फिर कुछ गलत होने पर सिर पीटते हैं। पासवर्ड के बारे में एक और जरूरी बात यह है कि हर थोड़े वक्त के बाद अपना पासवर्ड बदलते रहें और हैकर्स को कोई मौका ना दें। ऐसी कई साइट्स हैं जो ईमेल के जरिए आपको पासवर्ड बदलने के लिए कहती हैं। ये ईमेल्स ऐसी साइट से आएंगी जो तुम्हें पूरी तरह भरोसेमंद लगेंगी, पर दरअसल वो तुम्हारे व्यक्तिगत विवरण को चोरी करना चाहती हैं। इस तरह की गतिविधि को फिशिंग कहते हैं। अगर तुम अपने पासवर्ड और दूसरे व्यक्तिगत विवरण को बचाना चाहते हो, तो इन फिशिंग ईमेल के चक्कर में मत पड़ना। फिशिंग के जाल से बचने के लिए किसी भी ऐसे लिंक पर क्लिक करते समय सावधान रहो जो लॉगिन के लिए कहती हो, या फिर पासवर्ड बदलने या अन्य दूसरी व्यक्तिगत विवरण मांगती हो। ये किसी फिशिंग स्कैम का हिस्सा हो सकती है, जहां तुम्हारी हर जानकारी हैकर्स तक पहुंच रही होगी। अगर कोई साइट खोलते ही तुम्हें संदेह हो, तो URL को मैनुअली अपने ब्राउजर में लिखकर लॉग ऑन करो। किसी भी फिशिंग ट्रैप से बचने का ये सबसे सुरक्षित तरीका है, और इसीलिए इसे गोल्डन रूल कहा जाता है।
अच्छा, अगर मैं किसी साइट पर क्लिक करने के बजाय सीधे यूआरएल टाइप करूं, तो वायरसेस और हैकर से बच सकता हूं? हाँ राजेश, एक ही तरह की कई साइट्स होती हैं और उनमें से कुछ हैकिंग के लिए हो सकती हैं। इसलिए अगर तुम सीधे यूआरएल टाइप करोगे तो वही साइट ओपन होगी, ना कि कोई और। अब मैं तुम्हें एंड पॉइंट सिक्योरिटी के बारे में बताती हूँ। एंड पॉइंट सिक्योरिटी, ये क्या है मैम? दरअसल कंप्यूटर के जरिए इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले एंड यूजर होते हैं। इसी तरह कंप्यूटर की सिक्योरिटी को एंड पॉइंट सिक्योरिटी कहा जाता है। हर कंप्यूटर को एक सुरक्षित जगह पर लॉक और की के बीच रखा जाना चाहिए। हर कंप्यूटर में पावर ऑन करने पर पासवर्ड मांगने की सुविधा होती है। इसीलिए जरूरी है कि कंप्यूटर को चालू करने के बाद इसे लागू करके रखा जाए, ताकि जब भी कंप्यूटर को स्विच ऑन किया जाए ये पासवर्ड डालने के लिए कहे। जैसे ही इसके ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो, तुम्हारे पास कंप्यूटर में लॉगिन के लिए एक पासवर्ड हो, वरना तुम्हारी गैर हाजिरी में कोई तुम्हारे सिस्टम का एक्सेस कर लेगा। कंप्यूटर के फिर इस्तेमाल के लिए स्क्रीन सेवर पर भी पासवर्ड लगा होना चाहिए। पासवर्ड मैनेजमेंट के टिप्स दिए गए हैं। पासवर्ड बनाने में कम से कम 8 से 12 कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करें। पासवर्ड बनाने में अक्षरों, अंकों और विशेष अक्षरों को मिलाकर बनाएं। पासवर्ड बिना क्रम के और यूनिक होना चाहिए और उसे आसानी से अनुमान ना किया जा सके। कभी भी शब्दकोश शब्द या उनके मेल का शब्द इस्तेमाल ना करें। पीछे की तरफ से स्पेलिंग वाले पासवर्ड हरगिज ना बनाएं। पॉप कल्चर और खेलों के आम टर्म्स को पासवर्ड बनाने में इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। अपने करीबियों, खास दोस्तों और पालतू पशु पक्षियों के नाम पर पासवर्ड कभी नहीं रखना चाहिए। अपनी जन्मतिथि, अपने निकनेम और फोन नंबर्स को पासवर्ड ना बनाएं, क्योंकि इनको गोपनीय नहीं रखा जा सकता। दूसरे प्रोफाइल या अकाउंट्स के लिए एक ही पासवर्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक ही पासवर्ड को लंबे वक्त तक ना रखें। हर थोड़े थोड़े वक्त में अपना पासवर्ड बदल लें। अपने सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर्स का पूरा इस्तेमाल करें। अपना पासवर्ड किसी को भी ना बताएं। अब तक तुम समझ गए होंगे राजेश कि कंप्यूटर के लिए कठिन पासवर्ड बनाना कितना जरूरी है। हाँ नंदिता मैम, इसके अलावा मैंने अपने कंप्यूटर की सुरक्षा और थ्रेट से जुड़ी दूसरी जरूरी बातें भी सीख ली हैं। तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि साइबर सिक्योरिटी को आसानी से तोड़ा जा सकता है। साथ ही हैकर्स भी साइबर स्पेस में होने वाले नए बदलावों की जानकारी रखते हैं। हाँ, मैं इसे अच्छी तरह समझ सकता हूँ मैम। मैं किसी भी संदेहजनक साइट को खोलते वक्त सावधान रहूंगा। वैसे आपने आज मेरी बहुत मदद की है, इसके लिए आपका शुक्रिया। मुझे खुशी है राजेश। अब तक जो कुछ भी सीखा है उसके रिकैप के लिए स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी बटन पर क्लिक करें। साइबर स्पेस। साइबर स्पेस इलेक्ट्रॉनिकली बनाया गया एक वर्चुअल स्पेस है जो इंटरनेट के एक विशाल नेटवर्क से मिलकर बना है। साइबर स्पेस दुनिया भर के कंप्यूटर्स को इंटरनेट के जरिए जोड़ता है। साइबर स्पेस टर्म का विचार सबसे पहले 1984 में विलियम गिब्सन ने दिया था। आईटी नेटवर्क, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स, कंप्यूटर सिस्टम्स और अन्य दूसरे प्रोसेसर या कंट्रोलर भी साइबर स्पेस का ही हिस्सा हैं। साइबर सिक्योरिटी। साइबर स्पेस के जरिए हैकर्स
हमारे सिस्टम का एक्सेस ले सकते हैं। इसका खतरा हमेशा रहेगा, इसीलिए किसी भी एंड यूजर के लिए सूचना लेने या बिजनेस करते वक्त साइबर सिक्योरिटी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। पासवर्ड। पासवर्ड कैरेक्टर्स को क्रम में रखना है, चाहे वो अक्षर हो या फिर अंक या संकेतों के साथ दोनों। इसके एक एंड यूजर अपने कंप्यूटर को घुसपैठियों से बचाने के लिए बनाता है। उस कंप्यूटर में एक्सेस तभी मिल सकता है जब सही पासवर्ड एंटर किया जाए। कॉमन पासवर्ड्स। कॉमन पासवर्ड्स बहुत कमजोर पासवर्ड्स होते हैं जो ज्यादातर पहली बार कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाले बनाते हैं। इन पासवर्ड्स को घुसपैठिए इजीली हैक कर लेते हैं और कहीं दूर से ही निजी जानकारी चोरी कर सकते हैं। क्रिएटिंग अ पासवर्ड। एक यूजर को अपना पासवर्ड खुद बनाना चाहिए। हालांकि नया पासवर्ड बनाते वक्त इसका ख्याल जरूर रखें कि ये बहुत आसान ना हो, जो हैकर्स आसानी से क्रैक कर सकें। यूजर किसी वाक्य के पहले अक्षर का इस्तेमाल कर एक मुश्किल पासवर्ड बना सकता है। इस तरह के पासवर्ड को क्रैक करना मुश्किल होता है और कंप्यूटर को हैकर से बचाया जा सकता है। एंड पॉइंट सिक्योरिटी। कंप्यूटर के जरिए इंटरनेट का एंड यूजर होने की वजह से एक पर्सनल कंप्यूटर की सिक्योरिटी को एंड पॉइंट सिक्योरिटी कहा जाता है। एंड पॉइंट को सिक्योर रखने के लिए अपना पासवर्ड किसी को नहीं बताना चाहिए।